दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त सैयद परवेज। दोस्तों आज की इस वीडियो में यहां पर हम हर साइज का आर्मोल कटिंग करना बताएंगे। जो लोग क्या नाम है आर्मोल निकालना जिन लोगों को नहीं आता, जो न्यू बिगनर्स हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत अच्छी है और इस वीडियो को पूरा देखें। हैवी साइज के लिए ही बताऊंगा और क्या नाम है नॉर्मल साइज के लिए बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर पेपर शीट ले रखी है, इसी पर मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों जैसे कि सबसे पहले आप लगाएंगे यहां पर एक निशान, ठीक है, इस प्रकार। अब दोस्तों यहां पर आपने निशान लगा लिया, ठीक है। निशान लगाने के बाद सबसे जो मेन जो तरीका है ना शोल्डर निकालने का, वो क्या है मैं आपको बता दूं। जैसे कि मान लो आपका यहाँ पर जो तीरा है, देखो ये कॉलर वाली कुर्ती का अलग बताऊंगा और बगैर कॉलर का अलग बताऊंगा, बोट नेक का अलग बताऊंगा और जो हैवी साइज है उनका भी अलग बताऊंगा, ठीक है। तो इनका सबका अलग अलग प्रोसेस होता है, किसी का ऐसा नहीं होता कि एक ही तरीके से आप सारी कुर्तियां कटिंग कर दें। तो दोस्तों मान लो यहाँ पर आपका क्या नाम है, जैसे कि कॉलर वाली कुर्ती है, उसके लिए आपको यहाँ पर शोल्डर कटिंग करना है, ठीक है, इसका आर्मोल कटिंग करना है, सॉरी। तो यहाँ पर जैसे मान लो उनका जो कॉलर वाली कुर्ती होती है उनकी जो शोल्डर होता है मान लो वो 14 इंच है, तो आप 14 का हाफ रखेंगे, ठीक है, कितना हो गया 7 इंच। अब दोस्तों आपको यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर तरीका निकालना है, जैसे कि आपका शोल्डर जो कुर्ती है ये कॉलर वाली, उसकी जो शोल्डर होता है पूरा नापना होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 14 का हाफ रखा 7 इंच, अब हमें 7 का यहाँ पर रखना है 7.5, यानी कि आधा इंच बढ़ा के, क्योंकि हमने यहाँ पर देखो रखा 14 का हाफ 7 और 7 यहाँ पर रखा 7.5। इसी तरीके से आप अपना शोल्डर निकाल सकते हैं। अभी दोस्तों मैंने यहाँ पर बताया कॉलर वाली कुर्ती के लिए। अब दोस्तों मान लें यहाँ पर एक निशान जो लोग लगाते हैं वो बिल्कुल सीधा लगाते हैं, ठीक है, इस प्रकार। अब आप जब कॉलर वाली कुर्ती कटिंग करेंगे ना तो यहाँ से आधा इंच अंदर लेंगे, ठीक है, इस प्रकार, इस तरीके से, ठीक है। ये आपको कॉलर वाली कुर्ती में लेना है, तो आपको मैंने इसका आर्मोल बता दिया। अब दोस्तों मैं बताता हूं आपको यहां पर नॉर्मल नेक, जो जिनके शोल्डर होते हैं आप रखते हैं ज्यादा से ज्यादा 12 इंच, ठीक है। तो यहां पर आपको उसमें 12 का हाफ रखना है, कितना 6 इंच। अब दोस्तों 6 इंच यहां रखेंगे इस तरीके से और सीधा सीधा निशान लगा देंगे, ठीक है। अब सीधा निशान लगाने के बाद आपने शोल्डर रखा 12, 12 का हाफ रखा 6, 6 पे हमने लगा दिया है निशान। अब इसका हमें शोल्डर कितना रखना होगा बगैर कॉलर वाली कुर्ती का, तो यहां पर हम रखेंगे 6.5 इंच, ठीक है। फार्मूला वही है कि हमें यहां पर आधा इंच बढ़ा के रखना है अपने शोल्डर से आर्मोल को, तो हम यहां पर रख देंगे 6.5 इंच इस तरीके से, ठीक है। अब मान लें आपका यहां पर किसी का शोल्डर है 13 इंच, ठीक है, तो 13 इंच है, 13 का हाफ हमने यहां रखा, कितना हो गया 6.5 इंच, ठीक है, शोल्डर। अब यहां पर कितना रखेंगे 7 इंच इस प्रकार। तो आपको इसी तरीके से निकालना है, ठीक है। ये मैंने आपको यहां पर इस तरीके से निशान लगा दूंगा। अब निशान लगाने के बाद दोस्तों अब यहां पर बात आती है, जैसे कि मान लो किसी का बोट नेक है, यानी कि उसकी जो चौड़ाई है वो ज्यादा रहेगी और यहां पर शोल्डर भी क्या नाम है उसका ज्यादा रहेगा, मान लो 14 इंच है, ठीक है। तो आपको यहां पर उसी का सेम तरीका है कि आपको यहां पर रखना होगा 7 इंच है तो आपको यहां रखना होगा 7.5 इंच, ठीक है, ये वाला निशान। अब मान लें आपका किसी का नेक डीप नेक है, यानी कि काफी गहरा नेक है, कितना, जैसे कि 8 इंच, 8.5 इंच, 9 इंच, इस तरीके का है, तो आपको वहां पर इस हालत में आपको शोल्डर कम रखना होता है। आप रखेंगे कितना, यहां रखेंगे आप 11.5 इंच, ठीक है, और 11.5 पे यहां निशान लगा देंगे इस तरीके से, क्योंकि जितने नेक बड़े होते हैं ना उतना ही शोल्डर कम रखा जाता है, क्योंकि जब आप नेक बड़े रखेंगे तो शोल्डर बाहर को गिरेगा, तो इसलिए हमें शोल्डर कम रखना होता है। मगर इसी हालत में हमें यहां पर जो अपने ये रखना होगा, हमने यह कितना रखा 11 का हाफ 5.5, अब इसको जो हम रखेंगे तो यहां पर हम 5.5 का 6 नहीं रखेंगे, यहां पर हम 6.5 ही रखेंगे, ठीक है, 6.5 से कम हमारा आर्मोल नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहां रख लिया। अब दोस्तों हम यहां पर क्या करेंगे, जो भी आपकी चेस्ट का साइज हो वो आप ले लें यहां पर, जैसे मान लो यहां ले ले रहे हैं हम 9 × 36 37 38, यानी कि 38 इंच चेस्ट, और यहां पर कमर का साइज ले ले रहे हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। एक मैं आपको एक उस तो बता रहा हूं कि एक तरीका है केवल निशान लगाने का, यहां पर कोई मैंने बॉडी नाप नहीं लिया है, ठीक है, इस तरीके से।
अब दोस्तों यहां पर हमने लगा दिया, अब बात आती है कि हमें इसकी राउंड किस तरीके से लेना चाहिए। तो दोस्तों राउंड हमें इस प्रकार से एक लाइन खींचेंगे, अगर आपसे परफेक्ट राउंड निकालना नहीं आता है, आप यहां पर एक इंच इस कोने पर रखेंगे, एक इंच इस तरीके से निशान लगाएंगे, और निशान लगाने के बाद यहां पर इस प्रकार आप यहां पर गोलाई दे देंगे, ठीक है। गोलाई देने के बाद दोस्तों आपको इस तरीके से आधा इंच डाउन करना होगा, ठीक है। अगर आपका नेक है यहां पर करीब 9 इंच, पीछे का नेक अगर 9 इंच है इस तरीके से, तो आपको यहां पर ये पीछे की साइड में डाउन करने की साइड बजाय आपको आगे को डाउन करना होगा क्रॉस इस तरीके से, ठीक है। ये इसका उल्टा होता है, अगर नेक किसी का बड़ा है, अगर नेक किसी का नॉर्मल है तो आप पीछे को आधा इंच डाउन करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर बात आती है कि हमने रखा है 11.5 इंच, ठीक है। अब दोस्तों 11.5 से आप शोल्डर कम कभी भी ना रखें, क्योंकि फिर आपका यहां पर देखो फैलाव जो नेक का रहेगा वो 6 इंच रहेगा, तो आपको यहां जगह नहीं बचेगी, तो आपको यहां पर इस तरीके से 6 इंच लेना है, ठीक है। और नेक की गोलाई के लिए आपको आधा इंच का इस तरीके से निशान लगाना होगा अंदर की साइड में, और यहां पर आप अपना कोई भी गला बना सकते हैं इस तरीके से, चाहे गोल बना लें, पान शेप बना लें, या चौकोर गला बना लें। तो दोस्तों इसी तरीके से आप यहां पर अपना आर्म होल निकाल सकते हैं। अब दोस्तों मान लो यहां पर किसी का है 15 इंच, ठीक है, 15 इंच है आपको किसी का शोल्डर, यानी कि कॉलर वाली कुर्ती का बता रहा हूं मैं, तो 15 का हाफ लेंगे 7.5 इंच, ठीक है। और अब यहां पर लेंगे कितना, यहां पर लेंगे आप 8 इंच, तो यहां पर आपको हमेशा यहां पर आधा इंच बढ़ा के आर्म होल लेना होता है इस तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे अगर पहली बार आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।